हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। ये है हमारी HTML की सीरीज जिसमें हम HTML को सीख रहे हैं फ्रॉम द बेसिक। हम बेसिक से सीखते सीखते इसको एडवांस में लेकर जाएंगे। हेडिंग कैसे डलती है हमारी वेबसाइट में, किस तरीके से पैराग्राफ डलते हैं, किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल्स प्रोवाइड कराते हैं, ये सब हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज में सीख चुके हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है बैकग्राउंड। हम अपनी वेबसाइट को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं जब हम उसमें कोई बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं या फिर कोई बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। सो आज की ट्यूटोरियल में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज या फिर बैकग्राउंड कलर को लगाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें अपने सिस्टम में ओपन करना पड़ेगा नोटपैड। और उसमें एज यूजुअल जो हमारा HTML का सैंपल एक फॉर्मेट होता है, जो कि हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम होता है, उसे हमें टाइप करना पड़ेगा। हमारा HTML डॉक्यूमेंट, HTML प्रोग्राम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हेडर सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। हेडर और बॉडी का यहाँ पे क्या रोल है ये हम बहुत ही बेसिक से सब कुछ समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको डीपली समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सो हम हेडर में अपना स्टाइल्स प्रोवाइड कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट का, अपने वेब पेज का या फिर वेबसाइट का। और बॉडी में हम वो सभी चीजें लिखते हैं जो कि हमें अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करनी होती है। सो हमें लगाना है अभी बॉडी बैकग्राउंड कलर अपनी वेबसाइट का, अपने वेब पेज का हमें कलर प्रोवाइड करना है बैकग्राउंड कलर। सो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा बॉडी का ओपनिंग टैग होता है इसमें हम लोग टाइप करते हैं अपना एट्रीब्यूट जो कि होता है bg color इज इक्वल्स टू, और फिर उसमें हम अपनी वैल्यूज देते हैं। bg color की वैल्यूज न्यूमेरिक में भी हो सकती है, हेक्साडेसिमल में भी हो सकती है, और RGB वैल्यूज भी हो सकती है। सो अगर हमें इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हम सिंपली इसमें कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर दे दिया येलो और इसको किया हमने सेव। डेस्कटॉप अपनी लोकेशन दे दी हमें, जिस भी लोकेशन पे अपना अपनी फाइल को सेव करना है, और इसे दे दिया एक नेम। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है टेस्ट, उसके बाद में एक्सटेंशन लगाया .html। html लगाना इज मैंडेट। फिर कर दिया इसे सेव और फिर हम देखते हैं डेस्कटॉप पे अपना आइकन। जो हमने फाइल सेव करी है उसमें हमारा जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसका आइकन बनकर आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके जो हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने हमारा वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर हमें इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो हम सिंपली इसमें एडिटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में उसे रिफ्रेश कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लगाना है इसमें बैकग्राउंड इमेज, तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, और उसके बाद में हमें देना है अपनी इमेज का लिंक, जो भी हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो भी हमारी प्री डिफाइंड हमारी इमेज है हम उसमें से कोई एक सैम्पल लेकर आपको समझा देते हैं कि क्या है। सैम्पल पिक्चर्स में हमने लिया कोई भी इमेज, फॉर एग्जाम्पल हमने लिए ट्यूलिप। ओके सो हमने इसमें इसकी प्रॉपर्टीज पे गए और फिर प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में इसकी जो लोकेशन है वो हमें यहां से अपनी कॉपी करनी है, कंट्रोल सी, और फिर नोटपैड में जाके इस डबल कोटेशन के बीच में यहां पर इसको पेस्ट कर देना है। ओके जो यहां पर स्लैश लगा हुआ है वो स्लैश हमें लगाना है, और उसके बाद में हमें अपनी फाइल का नेम देना है। वापस से गए और हमारी फाइल का नेम है tulips.jpg, तो हमें यहां पे कॉपी करना है और फिर इसके आगे हमें अपनी इमेज का नेम देना है, क्योंकि यहां तक तो हमने सिर्फ लोकेशन दी है, उसको एड्रेस बताया है कि आपको इस एड्रेस पर जाना है, लेकिन कौन सी फाइल को उसे ढूंढ कर लाना है वो है हमारी ये फाइल का नेम, जिसमें कि ये नाम है। और उसके बाद में हमें .jpg या फिर .jpg लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इसका फॉर्मेट हमारा वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे आपके सिर्फ नाम भी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर देख लीजिए टाइप ऑफ फाइल, जो भी यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है वो यहाँ पे डॉट
एक्सटेंशन लगाकर और फिर उसको उसमें लिख देना है। ओके तो हम करते हैं इसे सेव और देखते हैं हमारा रिजल्ट रिफ्रेश। सो ये आ गई है हमारी इमेज, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड इमेज हमारी वेब पेज का। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इमेज है हमारी वो बैकग्राउंड में सेट नहीं हो पा रही है, ये रिपीट हो रही है। यहां तक तो हमारी एक इमेज है, उसके बाद में यहां से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट लगाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें अपना एक न्यू एट्रीब्यूट अप्लाई करना है जो कि है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन और इसके बीच में हमें वो सभी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है जो प्रॉपर्टी हम इस पर अपने वेब पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं। सो हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है वो रिपीट ना हो, उसके लिए हमारे पास में एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड रिपीट कॉलन नो रिपीट। क्योंकि हमें इसे रिपीट नहीं करना है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है नो रिपीट। अगर हमें इसमें एक्स एक्सिस पे रिपीट करना होता तो हम लगाते रिपीट एक्स, वाई एक्सिस पे रिपीट करना होता तो हम लगाते रिपीट वाई। सो हमें भी इसे रिपीट नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज आए वो एक सिंगल इमेज आए, तो हम लिखेंगे सिंपली नो रिपीट। इसे हम करते हैं सेव कंट्रोल एस या फिर सिंपली फाइल में जाकर सेव करा और फिर यहाँ पर कर दिया रिफ्रेश। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिपीट होना बंद हो गई है, बट अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी इमेज है वो हमारे पूरे पेज पर नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगाना है, सेमी कॉलन लगाया, उसके बाद में हमें अपना एट्रीब्यूट लगाना है बैकग्राउंड साइज कॉलन 100%। तो ये आ गई है हमारी पूरे पेज पर हमारी इमेज। देखिए हमें लगाना है 100% स्पेस 100%। ऐसा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला 100% है ये एक्स एक्सिस के लिए है जो कि हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। ओके जो सेकंड वाला 100% है वो हमारा वाई एक्सिस के लिए है। ओके तो इस एक्स एक्सिस के लिए हमने 100% लगाया है और वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल, वर्टिकली हमारी जो इमेज है उसके लिए हमने सेकेंड वाला 100% लगाया है। तो हमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर हमने 100% लगाया है इसलिए ये जो हमारी इमेज है वो पूरी पूरे पेज पर सेट हो गई है। अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखते हैं तो हमारा इसमें यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा बॉडी ओपनिंग टैग खत्म हो गया। ओके सो हमने यहाँ पर लिखा है हेडिंग, हेडिंग लिखी हमने H1, यहाँ पे लिखा माय पेज, हेडिंग क्लोज, सेव एंड रिफ्रेश। सी यहाँ पर हमारी हेडिंग बनकर आ गई है, तो जो भी हमें डिस्प्ले करना है वो हमारी इसके बीच में मेंशन हो जाएगा। बट ये जो हमारी बैकग्राउंड जो हमने इमेज लगाई है वो हमारी इस बॉडी की ओपनिंग टैग के अंदर ही आएगा और जो ये साइज है रिपीटेशन है उसके लिए हमें अलग से एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके सो इस तरीके से हम अपने पेज को डिफाइन कर सकते हैं किस हम डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगाकर उसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बाकी के एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, अलाइन वी अलाइन, ये फिट हाइट, ये सब कुछ हमें अभी देखना बाकी है। किस तरीके से टेबल बनती है वो देखना हमें अभी बाकी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसमें हम अपनी एडिटिंग करते हैं। सो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो आप शेयर कर दीजिएगा एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।